पाकिस्तान के पावर सेक्टर का जो कर्ज है हमारे ऊपर वो है 2.6 ट्रिलियन 2600 अरब रुपए 2600 अरब रुपए सर्कुलर डेट है जो कि हमें अभी पावर कंपनीज को देने हैं, और तकरीबन 2.3 समथिंग के करीब गैस वालों का सर्कुलर डेट है। ये तकरीबन 5000 अरब रुपए अभी पाकिस्तान की इकॉनमी से 5000 अरब रुपए तो अभी सिर्फ देने हैं। इशू क्या है पाकिस्तान, आज बिजली नहीं है, बिल आ रहा है, हर इलाके में पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, कहीं पे 12 घंटे, कहीं पे 6 घंटे, कहीं पे 2 घंटे, कहीं पे 18-18 घंटे और कहीं पे 3-3 दिन तो लोड शेडिंग नहीं है। लोग समझते होंगे बिजली नहीं है पाकिस्तान में। मजे की बात है कि पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। आज अगर पीक आवर्स में पाकिस्तान की डिमांड पीक गर्मी में 30,000 मेगावाट अगर डिमांड है तो पाकिस्तान में 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। 45,000 मेगावाट बिजली बनाने की इस वक्त कैपेसिटी मौजूद है, डिमांड हमारी 30,000 मेगावाट है, तो बिजली बंद क्यों है भाई? हमारे पास तो कैपेसिटीज है, तो फिर बिजली बंद क्यों है? ये जो हमारे पास इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जिसको हम आईपीपीस कहते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जिसको हम आईपीपीस कहते हैं, आईपीपीस 40 है इस मुल्क में, 40 आईपीपीस हैं जो कि बिजली बनाती हैं। इन सब की बिजली बनाने का जो टोटल इनकी जो बिजली बन रही है वो 45,000 मेगावाट है। आजकल की गर्मियों में डिमांड पाकिस्तान की 30,000 मेगावाट है, तो 15,000 मेगावाट तो बिजली एक्स्ट्रा होनी चाहिए, लेकिन लोड शेडिंग हो रही है। और ये तो है गर्मी, सर्दियों में ये डिमांड हो जाती 17,000 मेगावाट या 22,000 मेगावाट मैक्सिमम। हमारे पास तो इतनी ट्रांसमिशन लाइनें ही नहीं है कि ये 45,000 मेगावाट बिजली लोगों तक पहुंचाए। अब होना ये चाहिए कि भाई जितनी डिमांड है उतनी बिजली तो मौजूद है, तो घरों में बिजली आनी चाहिए। नहीं, घरों में बिजली इसलिए नहीं आ रही है कि डिस्कोस है हमारे, मैं आम जुबान में कहना चाहूं, बिजली प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं 20 पाकिस्तान में, 19 सरकारी है, 1 इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज है, 19 सरकारी है। ये 20 के 20 जो बिजली मुहैया करने वाले पाकिस्तान में इदारे हैं, इन्होंने अपनी मैनेजमेंट का तरीकेकार ये निकाला है कि जब जो इनकी बिजली से चोरी हो रही है और जो इनको लाइन लॉसेस आ रहे हैं, उसका उन्होंने नतीजा ये निकाला कि जब हम लोगों को ज्यादा बिजली देते हैं तो हमारे यहाँ ज्यादा चोरी होती है। तो क्या करें हम बिजली देना ही बंद कर दें? हम लोगों को कम बिजली देंगे, जितने पैसे आ रहे हैं उस हिसाब से बिजली देंगे तो हमारी चोरी कम होगी। तो चूंकि इनको एंड में अपनी बैलेंस शीट को सही रखना है, ये सारे प्रॉफिट कमाने वाले इदारे हैं तो इनको अपने प्रॉफिट को इंटैक्ट रखना है, तो ये बिजली दे ही नहीं रहे। अब जब ये बिजली नहीं देते, चले भाई अगर इसमें ही मसला हल होता कि भाई बिजली नहीं दे रहे, लोगों को बिजली नहीं मिले, अब जब ये बिजली नहीं देते तो वो बिजली बचाते हैं, इनको पीछे से बिजली जो है वो आ रही है, पावर इनको आ रही है। जब ये बिजली बचाते हैं और जब ये नहीं देते तो वो जो आईपीपीज है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, उनके पास जो कैपेसिटी है फर्ज करें 45,000 मेगावाट की और वो 20,000 मेगावाट बिजली बना रहे हैं, तो वो जो 25,000 मेगावाट बिजली नहीं बना रहे, हुकूमत का उनके साथ मुआहदा है कि उस 25,000 मेगावाट बिजली नहीं बनाने के पैसे देंगे उनको, जिसको आप कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं, जिसको आप सुनते हैं कि कैपेसिटी चार्जेस, वो बिजली नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं। 25,000 मेगावाट अगर वो बिजली नहीं बना रहे, उनको डॉलर में पैसे दिए जा रहे हैं। ये जो आपका बिल आता है, अगर इंडस्ट्रियल यूनिट फर्ज करें 34 रुपए है, 34 रुपए फर्ज करें 34 रुपए फी यूनिट, तो नेपरा का बिल टोटल बिजली की कॉस्ट उसमें 8.5 रुपए, 8.5 रुपए, लेकिन बिल जब आ रहा है तो 34 रुपए पर यूनिट बिल आ रहा है। तो ये जो आप बिजली नहीं बनाने वालों को कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो पैसे दे रहे हैं, वो 8 रुपए को 34 रुपए बिल में लिखकर भेज रहे हैं कि वो आप दे रहे हैं, वो आम आदमी दे रहा है, वो आम आदमी दे रहा है, वो आम इंडस्ट्रियल भेज रहा है। ये है पाकिस्तान का मसला। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि पिछले साल का लॉस जो है वो 600 अरब रुपए है, 600 अरब रुपए है। इस साल आपने अपने बजट में 1700 अरब रुपए रखे हैं इन पावर कंपनीज और एसओईज को देने के लिए। 1700 अरब रुपए कितने होते हैं? सिर्फ ये बताता चलूं, पूरे पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए जो स्कूल बनाने हैं, जो कॉलेज बनाने हैं, जो सड़कें बनानी है, जो हाईवेज बनाने हैं, जो पार्क बनाने हैं, जो पानी की लाइनें डालनी, जो बिल्डिंग बनानी, पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए हुकूमत ने सिर्फ 1400 अरब रुपए रखे, 1400 अरब रुपए, जिसको आप पीएसडीपी कहते हैं, 1400 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए रखे और 1700 अरब रुपए इन आईपीपीस को पैसे देने के लिए रखे। ये मैनेजमेंट नहीं चले, ये पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बड़ा गहरा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन इससे उठ ही नहीं सकता। नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है कि बिजली महंगी हो गई, इस कैपेसिटी चार्जेस के चक्कर में बिजली महंगी हो गई। उस बिजली महंगे होने की वजह से इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे मुल्क के
सनअतें जो बंद हो रही हैं। एक्सपोर्टर्स बता रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट जो कि चीजों को भेजकर डॉलर लाते हैं और अपने एम्प्लॉयमेंट देते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे बड़ी सपोर्ट देते हैं, वो कह रहे हैं 25% कंपनीज इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं इंडस्ट्रीज के, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन बैठे हैं कॉमर्स के, ये दोनों रेलेवेंट लोग हैं इस हवाले से, इनके पास कॉले आ रही हैं। और ये हम वैसे नहीं, ये देखो ये पूरे पूरे किताब छान मारी गई है, सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये हम वैसे नहीं बोल रहे, ये पूरे पूरी किताबें छान मारी गई है, हम ये वैसे हवा में तीर नहीं चला रहे, ये सारी रिपोर्ट है, ये मेरे लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के लिए, हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की रियासत के चलाने वालों के लिए है। तो ये मसला सिर्फ बिजली नहीं आने का, लोड शेडिंग होने का, बिजली के बिल आने का नहीं है, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला हो गया है, ये पाकिस्तान की सलामती को लगा हुआ सबसे बड़ा गहरा जख्म है, इसके जख्म को पुर किए बगैर, इसका खून बंद किए बगैर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता खाकम बदहन, पाकिस्तान जो है वो उसकी सलामती को खतरा हो गया है, पाकिस्तान नहीं चल रहा।